सो हे गाइस, दिस इज अविनाश एंड यू राइट नाउ वाचिंग अ गूगल ट्रिक्स व्लॉग। सो दोस्तों, आप लोग को सभी को पता है कि मैं जो हूं अपना कार गैराज में रखता हूं, बट ये किसी को नहीं पता है कि वो एक्चुअल में गैराज नहीं है, वो मेरा नया घर है और उसमें बहुत सारे रूम्स है, छत है, एक प्रॉपर वो घर है जो कि मैंने जो खरीदा एक इन्वेस्ट किया था। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप अपना गैराज कभी दिखाओ पूरा। एंड इनफैक्ट ये अभी तक का है ना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरा। लाइक मैंने मेरे कार खरीदा हूँ, बाइक खरीदा हूँ, मैकबुक हो गया, बहुत सारा लॉट्स ऑफ थिंग खरीदा हूँ, बट अब तक का जो सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो मेरा वही है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं वही दिखाने वाला हूँ, मेरा नया घर। तो उसमें मैं पूरा हर एक चीज दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैंने कितने में खरीदी, कहाँ पे वो लोकेशन है, और यहाँ तक कि उसमें अभी भी जो है बहुत सारा काम बाकी है। तो हर एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का ये ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फुल नॉलेज के साथ होने वाला है। तो चलो इस ब्लॉग को लाइक करते हैं, शुरू करते हैं और चलते हैं अपने नए घर और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जो ये आप घर देख रहे हो ये मेरा घर है जो कि मेरे फादर ने बनवाया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ से निकलने वाले अपने ड्यूक से लोकेशन पॉइंट पे और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हो ये गेट यही है जो है मेरे पूरे गैराज का गेट। और ये गैराज नहीं, ये एक पूरा घर है। ये जो येलो देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर ऊपर तक वहाँ छत है वो, और इधर से ये जो मेन गेट हो जाता है अंदर जाने का, और साथ में यहाँ से भी पूरा ऊपर तक है और उधर भी पूरा आगे तक है। तो बाहर से लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो चलो खोलते हैं गेट को। और ये जो गेट है ना गाइस, लिटरली बहुत भारी है। जब लगवाने में सबका हालत खराब हो गया था, कम से कम 8 से 9 लोग मिलकर ये गेट लगा था, बहुत ज्यादा भारी है, देख सकते। ठीक है, इसको चलो खोलते हैं। भाई साहब, खोलने में ही बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, क्योंकि हम भाई जो भी लेते हैं दमदार चीज लेते हैं, चाहे वो टाटा की गाड़ी। तो अंदर में हमारा जो है वो टाटा की टैगर लगी हुई है। सो गेट खुल जाने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो ये लुक लगती है। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, बट 80% डन हो चुका है, ओनली 20% बाकी है। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये कोई जमीन लेकर के घर नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली जमीन पे बना हुआ घर ही जो है पूरा खरीद लिया था, जो कि लुक इधर से कुछ ऐसा दिखता है। और जस्ट सामने में यहाँ पर गेट है, ठीक है। तो चलिए अब आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। तो गाइस, ये गैराज जो है पहले से नहीं बना हुआ था, गेट मैंने लगवाया है। और ये कुछ ही टाइम के बाद क्या होगा कि ये कवर हो जाएगा पूरी तरीके से और गैराज मेरा सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये एरिया देख रहे हो, ये आप इसको बोल सकते हैं एक छोटा सा हॉल है, जहां पर ऊपर में खाली है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ईटा वगैरह है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। ये यहाँ पर हो गया पूजा करने के लिए। और गैराज का जस्ट बगल में एक रूम हो जाता है जो कि अच्छा साइज में है, करीबन 10x12। आवाज अभी आपको गूंज रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भूत रहता है। वही रूम नहीं, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, बाथरूम है, इधर रूम्स है, दुकान है। तो काफी बड़ा एरिया, ऐसा नहीं कि कोई छोटी सी एरिया है। और अगर आप लोग सोच रहे हो गाइस कि ये मैंने रहने के लिए लिया है, तो जी नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने ये इन्वेस्ट किया है और पैसे बनाने के लिए। तो वो कैसे, और सबसे ज्यादा ये जरूरी लेना इसलिए था बिकॉज मुझे कार रखने का कोई भी स्पेस नहीं था और मैं कहीं पे भी ऐसी जगह पे कार नहीं रखना चाहता था कि 25 लाख का मेरा नुकसान कोई करवा दे। इस रीजन से भी एक लेना था, बट ये एक तरह से मेरा इन्वेस्ट मैंने कर दिया, इससे बहुत पैसा आने वाला है, तो कैसे वो भी आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको इस घर का पूरा टूर करवाना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको अपना पूरा प्लानिंग जो है बताऊंगा। और बात रही रहने का, तो रहने के लिए तो मेरा ऑलरेडी एक अच्छा सा घर है, जो कि उस पर भी एक ब्लॉग आने वाला है जिसपे मैं दिखाऊंगा कहां मैं रहता हूं, कहां मेरा स्टूडियो, हर एक चीज। और साथ में अच्छे जगह पे रहने के लिए भी मैंने एक जगह खरीदा है, तो वो भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको सारा चीज पता चलेगा, ठीक है। तो मस्ट से मस्ट वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी सारा व्लॉग्स देखने के लिए। तो सबसे पहले ये हॉल वाले एरिया के जस्ट इधर सामने में, ठीक है, यहाँ पे एक रूम है जहां पर बालू गिट्टी रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसको अभी हमने स्टोर रूम बना दिया है, तो ये भी एक रूम है और काफी सा स्पेशियस सा रूम है। साथ ही मैं अपना जो फादर को स्कूटी गिफ्ट किया था, वो भी स्कूटी यहीं पर है क्योंकि मेरे घर पे रखने की जगह नहीं है। वहीं पर सामने में एक और रूम है, ये भी थोड़ा गूंजेगी आवाज, क्यों गूंजेगी, क्योंकि खाली है पूरी तरीके से रूम। और यहाँ पर एक बच्चों की साइकिल है, तो जिनसे मैंने खरीदी थी ना उनका भी ये साइकिल है, तो मैंने छोड़ दिया उनको
ले जाना होगा तो ले जाएंगे। ये मेरे घर की विंडो है सेटअप से जो मैंने निकाल दिया था, और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे भी एक छोटा सा हॉल टाइप है, और ये इन्वेस्टमेंट पे भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे भी एक रूम है जो कि काफी बड़ी रूम है, ये भी 10x10 के अप्रॉक्स में ये पूरा रूम होगा। तो कुछ ही समय के बाद ये पूरा रिपेयर हो जाएगा, थोड़ा सा रिपेयर का जरूरत है, और उसके बाद हमारा जो प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा। सामने में इन्वेस्टमेंट ऊपर इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसी के सामने में यहाँ पर एक दुकान है जिसको जो आप देख सकते हो, ये दुकान है, इसे छोटा मोटा यहाँ पे शॉप खोला जा सकता है, देख सकते हो। और यहाँ पर जस्ट एक गेट और है, यहाँ से अंदर भी आ सकते हैं, और ये मेन गेट होगा दुकान के लिए जहाँ पे शॉप खुलेगा। इधर भी पूरा एरिया है जैसा कि आप देख सकते हो, और साथ ही इधर भी पूरा एरिया है, ठीक है, तो इधर भी सामान रख सकते हैं, यहाँ से जो ग्राहक होंगे आएंगे सामान लेने के लिए, और यहाँ से पूरा और बाकी का सामान, यहाँ पर रेक वगैरह भी जो है वो है, इधर भी है सामान रखने के लिए, तो हर एक चीज यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही बिजली वगैरह के लिए बोर्डिंग वगैरह हर चीज किया हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है गाइस कि मैं यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ भी रह सकता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि छोटा सा कंजस्टेड सा एरिया जैसा कि आप देख सकते हो, बट अभी फिलहाल ये एक रॉ होम है, एक रॉ है, इसमें भी कुछ भी इंटीरियर नहीं है, कुछ भी डिजाइन नहीं है, कुछ भी मतलब यहाँ पर अभी चीजें नहीं है क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 20% बाकी है, 10% में ये सारा चीज जो है वो अभी गैराज सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा पानी का कनेक्शन जो है वो आ जाएगा, बिजली है हालांकि लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो काट दिया गया, वो ले लिया जाएगा, और उसके साथ में जो बेड वगैरह जो इंटीरियर का थिंग्स होता है वो लग जाएगा, देन ये एक प्रॉपर घर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आपको और भी दिखाता हूं। तो उसके बाद जस्ट यहां पर एक स्टेयर है छत पे जाने के लिए, और उसी के बगल में यहां पर बाथरूम भी है। तो ये हो गया, बहुत पुराना घर है तो यहां पर शावर के लिए कोई एरिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी रखने के लिए स्पेस है और यहाँ पर नहाने के लिए, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर भी जो है वो नहा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो स्पेस है। और ये हो गया बाथरूम। तो अभी आपको जो है बहुत ज्यादा ये गंदा दिख रहा होगा क्योंकि अभी रॉ है और साफ सफाई होना बाकी है, जब ये पूरा घर साफ हो जाएगा ना तो क्या लगेगी। तो एक व्लॉग और आएगी जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी, तो उस समय मैं हर एक चीज आपको दिखाऊंगा। तो चलो अब आपको छत दिखाते हैं कि छत से कितना अच्छा व्यू है। तो ये हमारा स्टेयर हो जाता है, यहाँ पर जो तुलसी जी या कोई भी भगवान लगाने के लिए जो कि हिंदू धर्म में होता है, साथ में यहाँ पे हवा आने के लिए इस तरीके से बनाया गया, काफी मस्त फ्रेश हवा आता है यहाँ से, ठीक है, लाइट तो आता ही है। तो इस तरीके से जो लोग घूम कर जाते हैं तो आपको खुद देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, कंजस्टेड सा एरिया नहीं। और यहाँ पे भी एक गेट है, तो इस गेट में अभी ताला तो नहीं है, तो खोल देते हैं। और ये आ गया हमारा इतना बड़ा छत, बड़ी छत है। और इन फ्यूचर अगर चाहूँ तो यहाँ पे भी एक तल्ला और खड़ा कर सकता हूँ, तो वो आने वाले देखा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कैसे वो भी बताऊंगा, कितना का है वो भी बताऊंगा, फिलहाल आपको छत दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये ऊपर से व्यू जो कि कार हमारी दिख रही है। तो अभी आपको बहुत गंदा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि अभी रॉ है पूरी तरीके से, और ये देख सकते हो इधर एक छत, उधर एक छत, उसके साथ में इधर भी है, और साथ में वहाँ पर जो है गार्डनिंग के लिए हो गया। तो ये पूरा एरिया यहाँ से हो गया। अब मैं आपको थोड़ा लुक दिखाता हूँ जो कि इस छत से जो है वो दिखती है। तो इस छत के जस्ट सामने में एक स्कूल है, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा नहीं तो सब पहुँच जाएंगे भाई साहब। तो ये देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल यहाँ से लुक दिखता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे घर इधर भी जो है वो बने हुए हैं, साथ ही इधर भी आप देख सकते हो कोई जंगल वगैरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, काफ़ी मस्त पॉपुलेशन में यहाँ लोग रहते हैं। और ये हो गया हमारा भाई फ्रंट एरिया, जहाँ से आपको फ्रंट लुक पूरा दिखेगा। इधर देख सकते हो गार्डनिंग वगैरह करने के लिए, मतलब पूरा डिज़ाइनदार घर है, ऐसा नहीं है। तो ये देख सकते हो यहाँ से इधर से घर मेरा निकल आएगा, ठीक है, इधर से उधर ही में मेरा घर है। और ये इधर से लुक अभी क्या है ना गाइस, इसके पूरी तरीके से प्रॉपर जो है नहीं बनी हुई, तो हो सकता है ऐसा कि आपको दिखने में उतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लग रहा हो, बट जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर बन जाएगी ना, पूरा कंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाएगा, जो भी यहाँ पर पेंटिंग वगैरह हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि क्या घर है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं ये कैसे इन्वेस्ट किया हूँ और इससे कैसे इनकम ले सकता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये गैराज को मैं जो पूरा सेपरेट कर दूंगा, ठीक है, और जो आना जाना होगा ना, ये इधर का मेन गेट से नहीं होगा, उधर वाला होगा, जो कि मैंने आपको
दुकान वाला जो है वो दिखाया, तो वहां पर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा ताकि दुकान से हटकर सीधा इधर से आया आना जाना जो है वो हो सके, या मैं उधर भी एक गेट हो सकता है बनवा दूं ताकि आना जाना हो सके, क्योंकि मैं सोचा हूं गैराज को पूरा सेपरेट कर दूंगा और ये जितना भी रूम्स है ना सारा मैं रेंट में लगाने वाला हूं, ठीक है, यहां पर रहने नहीं वाला हूं क्योंकि मैं यहां पर इन्वेस्ट किया हूं, ठीक है। लोकेशन भी काफी अच्छा है, रेंट भी काफी अच्छा जो है यहां पर से जो है मुझे मिल जाएगा। जो उधर में मैंने जो दुकान आप लोग को दिखाया था वो दुकान भी एक रेंट पर चला जाएगा, कोई दुकानदार को दे दूंगा सारा रूम्स भी, तो ये प्रॉपर जो यहाँ पर लोग रहने लगेंगे तो क्या होगा कि उनको गैराज से कोई मतलब नहीं होगा। और मुझे ये प्लेस अभी तक के लिए सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि मुझे कार निकालना और अंदर रखना होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जब मैं कहीं और पर शिफ्ट हो जाऊंगा तो फिर कार भी लेकर चला जाऊंगा, तो यहाँ पर भी जो है वो घर बना देंगे, फिर यहाँ पे भी रेंट पे लग जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में ये पूरा इन्वेस्टेड एरिया है जहाँ पे पूरा रेंटेड पे लगेगा, और अगर ये बिजनेस जो है वो चलता है देन अपर फ्लोर पे भी एक और फ्लोर बन जाएगा, फिर वहां पे भी रेंट लग जाएगा, तो वहां से भी इनकम आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि ये सब कुछ जो है सिर्फ आप लोग के वजह से हो पाया है, एंड मैं जितना भी मेहनत किया हूँ हर एक मेहनत पे आप लोग ने काफी ज्यादा सपोर्ट कर पाया, बट ऑनलाइन के साथ साथ अपना एक ऑफलाइन बिजनेस भी होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने जो है वो ये सारा चीज जो है वो किया हुआ है। मेरे फादर की जो उतना इनकम नहीं है भाई कि पूरा हर एक चीज संभाल पाए इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है, तो सो दैट्स व्हाई ये जो है वो एक इन्वेस्टेड एरिया हो गया। और साथ में इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया जो कि बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे अपने आने वाले व्लॉग्स में। एक बहुत कम एज में एक सर्टेन इतना स्टार्डम खड़ा करना जो कि पॉसिबल नहीं यार, कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने दम पर, शायद ही बहुत 0.1% लोग जो है वो कर पाते हैं। सारा क्रेडिट जो है वो आप लोग को जाता है, मेरे मेहनत को अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये सारा चीज कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू एंड सो मच, एंड आप लोग बताइएगा कि ये मेरा इन्वेस्टेड कैसा है, मैं क्या सोच कर जो किया हूँ, क्या वो सक्सेस करेगा या नहीं करेगा, अपना अपना राय कमेंट में जरूर करके बताइएगा। एंड फिलहाल बस यही है भाई हमारा ये इन्वेस्टेड एरिया। नेक्स्ट व्लॉग और भी बहुत सारा अचीवमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और भी मोटिवेशन देने वाला हूं कि मेरे जैसा इतना कम एज का बंदा इतना जब कुछ कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। सो आई होप आपको ये ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और इस तरह और ब्लॉग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।